नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत सैनी और अर्थ प्रकाश न्यूज में आपका स्वागत है और हाजिर हूं आपके साथ लेकर हमारा शो चुनावी दंगल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी दंगल में बात होती है सियासत की, तो आज मेरे निशाने पर है हरियाणा में चुनाव लड़ रहे सभी प्रमुख राजनीतिक दल। इसकी वजह अभी साफ हो जाएगी, तो चर्चा की शुरुआत करते हैं मुद्दे पर। नारी शक्ति, जिसे चलिए जोड़ते हैं हम हरियाणा प्रदेश से। आज भी हरियाणा में कई जगह महिलाओं को घर की दहलीज लांघने और घूंघट से बाहर निकलने की आज़ादी कम है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दल उम्मीदवार उतारते वक्त एक बात भूल गए हैं कि चाहे खेल का मैदान हो या राजनीतिक का रण, फिर अंतरिक्ष तक मार हो, हरियाणा प्रदेश की महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना दम दिखाया है। जैसे अंतरिक्ष परिकल्पना चावला, वहीं खेल के क्षेत्र में फोगाट बहनों ने प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। एवरेस्ट को फतेह करने में ममता सोदा और अनीता कुंडू का कोई सानी नहीं। भारतीय महिलाएं हॉकी टीम की कप्तान रीतु रानी व सुरेंद्र कौर भी हरियाणवी है। सियासत की बात करें तो सुषमा स्वराज भी अंबाला की बेटी थी और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी अंबाला में जन्मी थी। कोई भी क्षेत्र हो, हरियाणा की महिलाएं कहीं पीछे नहीं। फिर चुनावों में सभी राजनीतिक दलों को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने महिला उम्मीदवारों की संख्या ही कम कर दी। प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनाव 2014 की बात करें तो भाजपा ने 15 और इनेलो ने 16, कांग्रेस ने 10 महिला नेत्रियों को रण में उतारा था, लेकिन अब की बार इन आंकड़ों में कमी आई है। जैसे भाजपा ने इस बार प्रदेश में 12, कांग्रेस ने 9 और इनेलो ने 15 और जजपा ने 7 महिला उम्मीदवार उतारे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट का नारा देकर जो राजनीतिक दल महिला सुरक्षा, महिलाओं को प्राथमिकता देने की बातें करते हैं, इन चुनावों में वो सभी नारे हवा हो गए। चलिए आपको महिलाओं को उम्मीदवार देने की पीछे की वजह बताता हूँ। दोस्तों, भारतीय संविधान में महिला आरक्षण बिल मौजूद है। ये संविधान के 85वें संशोधन का विधेयक है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। इसी 33% में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि संशोधन के लिए ये बिल राज्यसभा में तो पास हो चुका है, लेकिन लोकसभा में देश में चल रही राजनीति में हर बार ये रोड़ा बन जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर लौटूंगा चुनावी दंगल में। देखते रहिए अर्थ प्रकाश न्यूज़। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।